बेटा आप खाना खाओ, मैं आ रही हूं। अम्मी, अबू, आप आइए, आप लोग अंदर आइए। आइए, आज अबू आज आज बैठे। आप मेरा बर्थडे का सरप्राइज देने आई है ना, लाए मेरा गिफ्ट है। नैना, दादा दादू थके हुए हैं ना बेटा, आप पहले जाके खाना फिनिश करो, फिर बात करेंगे, ठीक है? शाबाश, आज बैठ जाए। आप दोनों कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं बेटा। खाना खाया आप दोनों ने? नहीं बेटा, फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे हुआ क्या है आप दोनों इस तरह अचानक? बेटा, नादिर और सीमा ने हमें घर से निकाल दिया। क्या, घर से निकाल दिया? नादिर ऐसा कैसे कर सकता है, और सीमा तो? बस बेटा, रोजाना के झगड़े हो रहे थे और आज तो हद ही हो गई। मगर अब्बू, आखिर ऐसा हुआ क्या है? बेटा, सीमा हमसे रोजाना बदतमीजियां करती थी, आज तो उसने बदतमीजी की हद कर दी, तुम्हारे अब्बू के खाने की प्लेट लेके फेंक दी। क्या प्लेट? नादिर नहीं था क्या? बेटा, अफसोस तो इसी बात का है मुझे कि ये सब कुछ नादिर के सामने हुआ है। तो उसने क्या कहा? उसने क्या कहना था, उसने कहा कि रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ गया हूँ, तो आप लोग प्लीज घर छोड़ के चले जाएं। इस कदर बदतमीजी, ठहरे फोन करती हूँ मैं उसे। बस बेटा, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, आज से हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मगर अबू, वो आखिर आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बस बेटा, बहुत बुरा जमाना, कोई किसी का नहीं है। आप ऐसे नहीं कहें अम्मी, हम है ना आपके साथ। मामा। हम्म, दादू क्यों रो रही थी? नहीं तो? मुझे पता है। क्या पता है? दादू और सीमा चाची की लड़ाई हुई ना। आपको किसने कहा? किसी ने नहीं। तो फिर आपको याद है, मैं शादी के बर्थडे पे गई थी तो वहाँ पे सीमा चाची और चाचू दादू से झगड़ा कर रहे थे, कह रहे थे कि आप दोनों कमरे से बाहर कैसे आए, हमने मना किया था ना, दादू से बहुत बुरा रो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप अंदर कैसे आए? क्या मतलब कैसे अंदर आए? बेल की आवाज नहीं आई। बाबा, आप दादू से मिले? दादू से? नहीं तो। वो रो रही थी। क्या? नैना बेटा, आपको चॉकलेट खानी थी ना? हाँ। जाओ, फ्रिज में बॉक्स पड़ा है, जाके खा लो चॉकलेट फटाफट। ये आज मैं चॉकलेट खाऊंगी। क्या हुआ मरियम? नैना अम्मी के बारे में क्या कह रही थी? जी वो सीमा और नादिर ने अम्मी अब्बू को घर से निकाल दिया। क्या, वो कहाँ है? वो लोग यही है। नादिर ने निकाल दिया है तो यहाँ क्या लेने आए? कैसी बातें कर रहे हैं राशिद, आपके माँ बाप हैं वो। सिर्फ नाम के, याद नहीं है उन्होंने हमारे साथ क्या किया था? उन्होंने नहीं, आपके भाई नादिर ने किया था। साथ तो उन्होंने उसका दिया था। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं राशिद, माँ बाप के लिए सब औलाद एक बराबर होती है, उस वक्त हालात के पेशे नजर उनको जो सही लगा उन्होंने वो किया। अरे तुम नहीं जानती हो, उन्होंने हमेशा उस खबीस नादिर का ही साथ दिया है। उनसे बोलो कि अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और यहाँ से चलते बने, हमने कोई ठेका नहीं रखा किसी को पालने। उनकी हालत ठीक नहीं है राशिद, वो परेशान है, इस वक्त उनको यहाँ रहने दें प्लीज, मेरी खातिर।
साजिदा बेगम, तुम अपनी दवाई साथ लेके आई हो? नहीं। क्यों? नहीं खानी मुझे कोई दवाई। मैं समझ सकता हूँ साजिदा बेगम, मैं इस तरीके से अपने आप को तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं बचा अब इस जिंदगी में, इस जिंदगी से तो अच्छा है कि मर जाऊं मैं। क्या हो गया है तुमको साजिदा, कैसी बातें कर रही हो? तो और क्या कहूं, अब कुछ बचा है क्या? मायूस होना अच्छी बात नहीं है, हमने साथ मिलकर जिंदगी की कई जगह लड़ी हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आखिर क्या कमी रह गई थी हमारी तरबियत में जो हमारे साथ ये लोग ये सलूक कर रहे हैं? कमी हमारी तरबियत में नहीं बल्कि उनके किरदार में है, जब मसले फितरत में हो तो तरबियत से हल नहीं होते। दादू। क्या हुआ बेटा? मैंने बहुत सारी चॉकलेट खाई, आप खाओगी? हमारी बेटी प्यार से देगी तो क्यों नहीं खाएंगे? मैं भी खाऊंगी। खुश रहो मेरी बेटी, खुश रहो। घर नादिर के नाम करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता है। हमें नहीं जाना उस घर में। वो घर हमारा है, मेरा मतलब आप दोनों का है। जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। अब्बा लड़ाई झगड़े हर घर में होते रहते हैं, आपने भी तो मुझे घर से निकाल दिया था ना। ये सुबह सुबह किन पुरानी बातों को लेकर बैठ गए आप, नाश्ता कीजिए। आज अब स्कूल क्यों नहीं गई? आज मैंने छुट्टी कर ली। किस खुशी में? दादा दादू की खुशी में। खबरदार जो तुमने आइंदा किसी वजह से कोई छुट्टी की हो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? क्या हो गया राशिद, बच्चों से कोई इस तरह बात करते? मम्मी आप तो रहने दें, मुझे मत बताएं कि किस तरह बात करनी है किस तरह नहीं करनी है। खराब हो गया। अम्मी प्लीज आप इनकी बातों का बुरा मत मनाए, आजकल ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत है ना, इस वजह से स्ट्रेस में है। आप नाश्ता करें प्लीज। हेलो सिद्दीकी जी। सिद्दीकी साहब का तो इंतकाल हो गया है। हाँ? ये कब हुआ? एक हफ्ता पहले। वो तो बिल्कुल ठीक थे जी, बस अचानक हार्ट अटैक हो गया था। ये तो बहुत ही बुरी खबर है जी। बिल्कुल, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। अबू अबू ये रख लिया अपने पास। बेटा मेरे पास हैं। जी जी अबू मुझे पता है, मगर एहतियातन रख लें, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, आपके अपने बेटे के ही तो पैसे हैं और उन्होंने ही कहा था मुझे आपको देने के लिए। अच्छा ये उसने दिए हैं, फिर तो मैं जरूर लूंगा। ओह जबरदस्त। अबू इसके अलावा भी अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जरूर बेटा। अच्छा तो मैं मार्केट का जरा चक्कर लगा के आता हूँ। चलें ठीक है, ध्यान से जाइएगा। ओके ओके। तुम्हें जरूरत क्या थी उनको पैसे देने की? ये हो क्या गया है आपको, कोई अपने वालदैन से भी इस कदर बददिल होता है क्या? मैंने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है मरियम। मगर आप इस बात को समझें कि वो बूढ़े हो चुके हैं, बेसहारा हैं, और बुढ़ापे में औलाद ही वालदैन का सहारा बनती है। मुझे कोई शौक नहीं है किसी का सहारा बनने का। जाकर कह दो उनसे कोई बंदोबस्त कर ले अपना, मसला हो रहा है। ये आपको हो क्या गया है राशिद, उनकी उम्र का ही लिहाज करें आप। देखो अगर तुम्हें कोई हिचकिचाहट हो रही है ना तो मैं जाकर बोल देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। देखें राशिद मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आप अपने वालदैन की बुजुर्गी का लिहाज रखें, आप नादिर से बेहतर इंसान बन सकते हैं, प्लीज उन्हें इज्जत और प्यार के साथ यहाँ रहने दें। नसीब वालों को खुदा माँ बाप की खिदमत करने का मौका देता है। बिल्कुल भी नहीं, अकेला वहाँ नादिर मजे करे और भुगते हम, कोई जरूरत नहीं किसी को यहां रखने की। मैं कल आमिर को बोल दूंगा कि उनको ले जाए।
वरना ओल्ड एज होम में डाल दूंगा। बेटा बाल खराब हो रहे हैं आपके, मम्मा से बोल के रोजाना अपने सर में तेल लगवाया करो। मम्मा के पास कहाँ टाइम होता है दादी। तो दादो के पास आ जाया करो, मैं लगा दिया करूंगी तुम्हारे सर में तेल। पक्का? हाँ पक्का। एक बात पूछो दादू। हाँ पूछो। नादिर चाचू आपसे लड़ाई क्यों करते हैं? कितने अच्छे बाल हो गए तुम्हारे, कस के चुटिया डाली है मैंने। कोई बात हुई है क्या? सब ठीक है। जब सब ठीक है तो आप रो क्यों रहे हैं? साजिदा, मैं बहुत तकलीफ में हूं। दादू क्या हुआ आपको? बेटा राशिद, क्या हुआ? क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अम्मी अब्बू नहीं है। क्या कह रही हो? कहाँ नहीं है, इधर ही कहीं होंगे, जाके देख लो। वही तो ढूंढ रही हूँ, वो कहीं नहीं है, उनका सामान भी नहीं है। कहाँ जा सकते हो? वही तो कह रही हूँ, ढूंढे उन्हें। अच्छा ना, देख रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दादू दादा को ढूंढने के लिए। मत ढूंढे उन्हें, वो घर छोड़ के चले गए हैं और नादिर चाचू ने उनको बहुत हर्ट किया है। आप लोग गंदे हैं। नैना ये क्या कह रही हो? बाबा से कोई इस तरह से बात करते हैं क्या? जी बाबा भी तो दादू के साथ इसी तरह बात करते हैं ना। आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया बाबा, वो दोनों बहुत रो रहे थे। आप अच्छे बेटे नहीं है। आई हेट यू।